आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ थालियों से संबंधित एक ऐसी बात जो न केवल आपकी तकदीर को संवारेगी बल्कि आपको पैसे वाला भी बनाएगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और इतनी ऐसी जानकारी देती हूँ जो आपके बहुत काम की है। मित्रों, जानकारी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। 15 जुलाई तक मात्र 1100 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है, तो तुरंत संपर्क करें क्योंकि बाद में ये ऑफ़र मान्य नहीं होगा। सिर्फ 15 जुलाई तक ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो जानकारी आपके बहुत काम की है, लेकिन जो इनमें विश्वास ना नहीं करते हैं वो कृपया इन्हें ना माने, लेकिन जो इनको मानेंगे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, आपके किचन में कम से कम आपको 6 थालियाँ इस तरह से ज़रूर सजा के रखनी चाहिए। आपको ये थालियाँ अपने, अगर आपके घर में पैसे की दिक्कत हो रही है तो अपने किचन के स्लैब पर सजा के रखें। थालियाँ आप छोटी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सफ़ेद कांच की प्लेट भी ले सकते हैं। थालियाँ संख्या में 3 या 4 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो थालियाँ आप देख रहे हैं, किनारे वाली थालियाँ हैं। किनारे वाली थालियाँ बहुत शुभ होती हैं। जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है, वो किनारे वाली थाली में खाना प्रारंभ कर दें, उनको सम्मान मिलने लगेगा। थालियाँ कभी भी टूटी हुई या गंदी नहीं होनी चाहिए। प्लेट्स वगैरह भी अगर आप काम में लेते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यदि आपको कहीं भी सम्मान नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रही है, पैसा आपके घर में कम है, तो प्लास्टिक की प्लेट्स का और मेलामाइन की प्लेट्स का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए।